हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी लास्ट फ्राइडे को 26th of August को मैं देख के आया ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। यस गाइस, दी ड्रैगन बॉल मूवी जो हमारे इंडिया में रिलीज़ हुई है, एनिमेटेड मूवी। सो तब मैं उसका रिएक्शन देना चाहता था, पर लेकिन तब मैं बिजी हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को काम आ गया था। सो एनी वे, नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो। इसमें मैं मेरे थॉट्स, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बचपन से ड्रैगन बॉल एंड ड्रैगन बॉल जी एंड जितनी भी ड्रैगन बॉल की सारी सीरीज है देखता आया हूँ, एंड अभी बड़े होके यू नो बिकमिंग एन आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकमिंग समवन हु वुड वांट टू मेक एनिमे और एनिमेटेड मूवीज एंड यू नो ग्राफिक नॉवल्स एंड मांगा, वो अब मैं बड़े होके देख रहा हूँ ड्रैगन बॉल हॉल पे। भाई सुपर मज़ा आ गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा रिएक्शन, मेरे ओपिनियंस एंड थोड़ा बहुत स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। स्पॉयलर्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कब स्पॉयलर्स आए। सो ऑलराइट गाइस, विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यो ऑलराइट गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मतलब जब मैं छोटा था, ठीक है ना, मतलब 2001, 2002 और 2003 की बात है, तब कार्टून नेटवर्क पे आया था ड्रैगन बॉल जी एंड ड्रैगन बॉल भी आया था थोड़े टाइम बाद। तो तब से मैं ड्रैगन बॉल जी का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब तब से मैंने इस शो को देखा है एंड अब बड़े होके उसकी मैं इंडिया में मूवी देख रहा हूँ, यू नो इट इज़ जस्ट समथिंग एल्स। यू नो गोकू हैज़ बीन माय सुपर हीरो, लिटरली गोकू हैज़ बीन माय सेविंग ग्रेस सिंस चाइल्डहुड। गोकू को देख के मैंने इतना कुछ सीखा है। तो ड्रैगन बॉल जी की हमेशा से ही यू नो मेरे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रही है एंड बड़े होके मूवी मैं हॉल पर देख रहा हूँ, इट इज़ लिटरली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ फैन लाइक मी। तो मूवी के बारे में बात करूँ, मूवी तो देखो गाइस प्रिडिक्टेबल ही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने ड्रैगन बॉल जी ड्रैगन बॉल में देखा है। यू नो देर इज़ फाइट बिटवीन टू पार्टीज, गोकू पार्टी एंड द अदर पार्टी, वो ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट और टेक ओवर द वर्ल्ड और ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स और टेक ओवर द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसमें इस मूवी में क्या है कि जो हमारा ड्रैगन बॉल सुपर आया था 2015 में, फिर उसके बाद मूवी आई थी ब्रॉली के साथ, तो ये स्टोरी जो है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की, ये सारी उसके बाद से शुरू हुई है। एंड इसमें जो मेन कैरेक्टर्स जिन पे फोकस किया गया वो है पिकलो एंड गोहान, मतलब पिकलो गोहान की स्टोरी है। अब गोकू वेजिटा को भी इस मूवी में दिखाया है एंड गोकू वेजिटा टेक्निकली अभी प्लानेट पर तो है नहीं, अर्थ पे है नहीं, दे आर यू नो विद बीरस एंड ब्रॉली एंड गोकू, वहाँ पे गोकू वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ब्रॉली की जो गॉड की वाली पावर है उसको वो मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉली के साथ भी उन्होंने ट्यून होने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉली को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। एंड अर्थ के ऊपर रेड रॉबिन करके ग्रुप है जो कुछ ना कुछ धरती पे कब्जा करना चाहता है या यू नो वर्ल्ड डोमिनेशन, ऑल ऑफ दैट जैज, जो सारे एनीमे में ज़्यादातर यही होता है, विलन्स लोग यही करते हैं एंड ड्रैगन बॉल में भी यही चलते आ रहा था, तो ये सब है। तो मूवी की एनिमेशन बहुत ही तगड़ी है, मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है एंड बड़े स्क्रीन पे यू नो आप वो सारी फाइट्स देख रहे हो एंड पूरा सराउंड साउंड आपको सुनाई दे रहा फाइट्स के अंदर, तो इट इज़ such a beautiful experience for anyone who is a fan. एंड आप फैन नहीं भी हो और आपको कोई भी एनिमेटेड मूवी देखना पसंद है, बेसिकली एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, आप देख के आओगे तो यू नो यू विल गेट दोज चिल्स इन दोज फाइट सीन्स, यू नो यू विल गेट दोज चिल्स व्हेन देयर इज ए कामेहामेहा की ब्लास्ट इन द फ्रीकिंग मूवी इन दैट फ्रीकिंग सीन, मतलब मेरे को ये बताते हुए भी अभी यू नो रोंगटे से। तो ये तो गाइज मेरा रिएक्शन। ऑलराइट, स्पॉइलर वार्निंग, स्पॉइलर्स की बात करूँ तो स्पॉइलर वार्निंग गाइज, तो मूवी में क्या है कि सारी जो स्टोरी है वो जो सेल सागा ड्रैगन बॉल जी में थी तो उसके अराउंड से इन्होंने एस्टैब्लिश की है एंड इसमें सेल मैक्स करके आखिर के अंदर सुपर विलन आता है बेसिकली, जिससे गुहान फाइट करता है एंड पिकलो फाइट करता है ना, बाकी सारे लोग फाइट करते हैं। इसमें क्या है कि ना ये गुहान और पिकलो सेंट्रिक स्टोरी है, तो गुहान का क्या है कि वो अभी अपनी पढ़ाई लिखाई और बायोलॉजिस्ट बन गया, ठीक है, पिकलो उसको कहता है कि भाई तू ट्रेन कर, पर वो नहीं करता। तो एनीवे इसके अंदर फिर ऐसा सेटअप होता है कि यू नो
गोहन हैज टू फाइट, गोहन की बेटी को वो किडनैप कर लेते हैं रेड रॉबिन आर्मी वाले, एंड रेड रॉबिन आर्मी वालों के पास दो एंड्रॉइड्स होते हैं। तो वही गोहान फ्यूरियस हो जाता है उसकी बेटी को किडनैप कर ले, तो गोहान फिर लड़ने जाता है करता, लड़ते लड़ते फिर यू नो सेल वाला सीन आता है, तो उसके अंदर यू नो पिकलो गोहान को कहता है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑन अर्थ एंड यू कैन सरपास ऑल द सैयंस राइट नाउ, यू नो यू कैन बी इवन स्ट्रॉन्गर देन गोकू। पर लेकिन गोहान कभी इतनी ट्रेनिंग नहीं करता या उसको ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता, पर इस मूवी के अंदर यू नो गोहान का जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक उसके ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था गोहान सुपर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ आई एम राइट। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ असली में क्या नाम है, तो गोहान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंड हमेशा से क्या है ना, पिकलो ही गोहान का बाप रहा है, बायोलॉजिकल फादर गोकू है, पर लेकिन बड़ा तो पिकलो ने गोहान को किया, उसी ने कहते हैं गोहान की पूरी पूरी ट्रेनिंग दी है। तो ये तो गाइस एक ना रिडेम्पशन आप कह सकते हो, जो हमेशा गोहान और पिकलो के केमिस्ट्री या स्टोरी या ड्रैगन बॉल में यू नो ये जो गोहान वाला पार्ट है इसको पूरा ढंग से बताया नहीं गया था। आई वुड से इस मूवी में दे हैव यू नो डन द रेट्रीब्यूशन, दे हैव कनेक्टेड इट नाउ प्रॉपरली। एंड इसमें गोहान की बेटी भी पैन करो, वो बहुत ही क्यूट है। तो बेसिकली स्टोरी पे यहाँ पे इतना फोकस है नहीं, मैं आपको ये बोलूँगा यहाँ पे एक्सपीरियंस पे फोकस है कि एंड फॉर अस पीपल हु आर इन इंडिया, जिन्हों जो पहली बार यू नो हमारे सारे फेवरेट ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज़ एन फीलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है ये। तो गाइज ये सब तो ये चलो, इसमें एनिमेशन टेक्निकल पार्ट की मैं बात करूँ तो इसमें एनिमेशन जो है वो 3D एनिमेशन है, इसमें 2D एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग एनिमेशन नहीं करी है, 3D है सब कुछ ही, 3D मॉडल्स है जिनको मूव कराया गया। तो क्या वो अच्छी लग रही है? मेरे को तो बेसिकली अच्छी लगी एज एन आर्टिस्ट, एज समवन यू नो हु वर्क्स इन दिस फील्ड ओनली, मतलब मैं इतना एनिमेशन तो नहीं करता, ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन मैं करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, पर लेकिन एनिमेशन फ्रॉम ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और ए क्रिएटिव चॉइस why they have chosen it, I think because you know they can play with the cinematography and with the action and cuts and the editing to produce those awe-spanning moments, I think tabhi inhone 3D is bar try kiya hai, and zyadatar anime ke andar aajkal 3D achhi tarah use hota hai bade bade sequences ko dikhane ke liye, to animation mere ko to achhi lagi, mujhe nahi pata baaki logo ko, thoda log skeptical hain par lekin I liked it, you know उसमें जब जो अल्फा वन है वो लात मार रहा है तो वो सीन अच्छा लग रहा है, पिकलो है वो अपना की ब्लास्ट फेंक रहा है वो सीन अच्छा लग रहा है, तो इफेक्ट्स एंड ऑल दे लुक गुड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, द डायरेक्टर द क्रिएटिव टीम एवरीवन यू नो दे हैव टेकन द राइट डिसीजन ऑफ डूइंग दिस एनिमेशन स्टाइल। तो एनिमेशन की बात होगी, अब मूवी को रेटिंग देने की मैं बात करूँ तो मूवी यार मेरे लिए तो 10/10 क्योंकि मैं हमेशा से ही ड्रैगन बॉल देखना चाहता था बड़े स्क्रीन पे, हॉल पे, जैसे मार्वल मूवीज़ देखते हैं हम लोग एंड सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं या कोई भी यू नो बड़ी साईफाई मूवी देखते हैं, मैं तो स्पेशली साईफाई मूवीज़ एंड यही देखना चाहता हूँ हॉल पे, बाकी इतनी सारी मूवीज़ नहीं देखता मैं। इट हैज़ रियली सैटिस्फाइड मी, इट हैज़ रियली वन माई हार्ट गाइस। मूवी का क्या है कि मूवी ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है एंड यू नो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस भी आए हैं इंडिया के अंदर भी एंड वर्ल्ड ओवर, तो आई थिंक कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ड्रैगन बॉल, दिस इज़ द पावर ऑफ गोकू विजीटा एंड ऑल द पीपल। सो या गाइस दिस इज़ माय रिएक्शन एंड रिव्यू एंड लिटिल बिट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द मूवी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like the video if you like it, comment down below, subscribe to my channel because you know all of this helps with the algorithm and everything and helps with me making more videos. Abhi to maine apna channel properly shuru hi kiya hai and beech mein ruk jata hu par lekin you know I'm trying my best to be regular, so please subscribe, like and more videos late rahunga pop culture ke round and baki aur sari cheezon ke round,
So thank you so much for watching once again, and see you in the next one, guys. Bye. Take care. Ta-da.